बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादे। बहरोड के चहुमुखी विकास के संकल्प का सपना भाई बलवान सिंह यादव है आपका अपना। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, होगा आम जन का सम्मान तभी तो बढ़ेगा राष्ट्र का मान। निवेदक संतोष यादव, प्रधान नीम राणा। बहरोड विधानसभा के लोगों के मान सम्मान एवं चहुमुखी विकास के उद्देश्य से आपके बीच भाजपा युवा नेता मोहित यादव। संकल्प बहरोड के हित का, युवाओं की पसंद जन जन का प्रेमी, आपका एक फैसला बदल सकता है बहरोड का भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क बदलते वक्त का। इनमें हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड क्षेत्र के रिवाली गांव के निवासी आदित्य पुत्र प्रवीण यादव का जेई एडवांस में ऑल इंडिया ओबीसी में 770 रैंक हासिल कर राठ क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। जानकारी के लिए बता दें कि आदित्य यादव के पिता प्रवीण यादव बहरोड से पंजाब केसरी से संवाददाता हैं, जिन्हें बेटे की इस उपलब्धि पर स्थानीय लोगों ने शुभकामनाएं प्रेषित की। वहीं आदित्य यादव ने अपनी सफलता का श्रेय अपने दादा दादी माता पिता को दिया है। वहीं प्रवीण यादव ने बताया कि होटल हाईवे एक्सप्रेस के संचालक वीरेंद्र यादव का भी बेटे की सफलता में अहम योगदान रहा। उनके मार्गदर्शन में आदित्य सदैव अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहकर मेहनत करता था। इसी दौरान वीरेंद्र यादव ने भी आदित्य यादव के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रवीण यादव को बेटे की सफलता पर शुभकामनाएं दी हैं। यूनिक स्कूल एंड साइंस कॉलेज भरतरी रोड बहरोड, शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के भविष्य को संवारने के लक्ष्य को लेकर स्कूल चेयरमैन सुमित यादव के दृढ़ संकल्प से चमकेगा अब आपके सितारों का भविष्य, क्योंकि कोटा की कैरियर पॉइंट की टीम यूनिक स्कूल में जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय मेरिट देकर यूनिक स्कूल ने साबित कर दिया कि आपके दृढ़ संकल्प के आगे जीत है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय, जहां नेवी, एयरफोर्स, सैनिक, नौदैव, ओलंपियाड, मिलिट्री की बेहतरीन तैयारी, IIT नीट के अलग से बैच प्रारंभ, आज ही एडमिशन पाएं और सुरक्षित भविष्य की ओर अपना कदम बढ़ाएं, फैसला आपके हाथ। अलवर में जाट जनचेतना व सम्मान समारोह में पहुंचे राज्यपाल सतपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर बड़ी बात कही है। मणिपुर में हिंसा हो रही है, देश चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका में ऐसा क्या रखा है? देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक मणिपुर के इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया। लोगों को मारा जा रहा है, घरों में जलाया जा रहा है, लेकिन एक बार भी प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। पहलवानों के मुद्दे पर पूर्व राज्यपाल ने बताया कि ये शर्म की बात है कि जब पहलवान जीत कर आते हैं तो उनको बुलाया जाता है और सम्मान दिया जाता है, उसी समय उन्हीं पहलवानों को बहन बेटी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि खाप पंचायत अपनी जगह है, लेकिन एक बार अगर राजस्थान में पहलवानों ने मीटिंग रखी तो केंद्र सरकार नाक रगड़कर उनकी बात करेगी। सतपाल मलिक ने कहा कि मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा और ना ही चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसके समर्थन में प्रचार करूंगा। क्या कहा राज्यपाल सतपाल मलिक ने, इस रिपोर्ट में देखिए। मणिपुर हिंसा में जल रहा है, प्रधानमंत्री कहाँ है सर? एक हरूफ नहीं बोल रहे उसके बारे में, और तमाम बातें बोल रहे हैं। वहाँ लोग मर रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, मकान जलाए जा रहे हैं, मारकाट चल रही है, और एक बार वहाँ नहीं गए, अमेरिका जा रहे हैं। क्या लोग अमेरिका में जाके, तुम्हारा घर जल रहा है, जीती नॉर्थ ईस्ट में वही स्टेट थी जो तुम जीते थे, और वो खुर्द बुर्द हो गई सारी। और पूछो क्या सर, पहलवान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र सरकार से कोई भी आदमी सामने नहीं आ पा रहा है। बहुत शर्म की बात है, जब ये जीत के आती है तो इन्हें अपने यहाँ चाय पे बुलाते हैं, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, और अब कोई उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं, ना उनका ख्याल कर रहे हैं। खाप पंचायत भी उनके समर्थन में आई है। खाप पंचायत अपनी जगह है, लेकिन हम है उनके समर्थन में। मैं उन्हें कहूंगा एक बार अगर वो एक राउंड यहाँ राजस्थान में 5-4 मीटिंग कर देंगी तो ये नाक रगड़ के उनकी बात मानेंगे। आप सर राज्यपाल रहे, काफी सारे निर्णय बहुत शानदार लिए, अब सर क्या आगे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी? मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जो अच्छे लोग होंगे उनके लिए कैंपेन करूंगा। राजस्थान की राजनीति को लेकर आप क्या देखते हैं? सचिन पायलट, अशोक गहलोत, और जो जैसे वसुंधरा राजे और इनका भी चल रहा है मामला। देखो वसुंधरा जी को तो ये लाएंगे नहीं आगे, और उसके बिना इनका कोई काम नहीं बनेगा।
राजेश पायलट और गहलोत के झगड़े पे मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि पर्सनल है उनका, लेकिन उनको इसको निपटा लेना चाहिए। सर महत्वपूर्ण सवाल जी, हनुमान बेनीवाल जी तीसरा मोर्चा, हनुमान बेनीवाल जी का तो बहुत पहले से है तीसरा मोर्चा जी। सर बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर, राजस्थान में 38 विधायक रहते हैं जाटों के, मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा, पिछली बार रामनारायण डूडी जी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, क्या कहना चाहेंगे इस बार? देखिए इसके लिए जाट लीडरशिप खुद जिम्मेवार है। आपको याद होगा जब रामनिवास मिर्धा जी चुनाव लड़े तो सिर्फ 2 वोट से हारे थे और 4 जाटों ने क्रॉस किया था वोट, तो ये खुद ही गड़बड़ करते हैं। सर अभी इस बार हम कोशिश करेंगे कि आपका आदमी बन जाए। किसान भी सर लगातार हरियाणा पंजाब और इधर लगातार आंदोलन कर रहे हैं जी, उनका सर अभी तक MSP वाला क्लियर नहीं हुआ है। MSP का इनकी नियत नहीं है क्लियर करने की, चूंकि नुकसान है, उसने बड़े बड़े गोदाम बना दिए हरियाणा में, वो इसलिए कि सस्ते पे पानीपत में बनाया, सस्ते पे खरीदूंगा महंगे पे बेचूंगा, तो अगर MSP लागू हो जाएगी लीगली तो वो ये नहीं कर सकता। सर रेल हादसों पे सर जो चूंकि पिछले जो मंत्री रहे उनके मामले में सर बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, इस बार बीजेपी कहती है हमारे बड़ी मुश्किल से एक उपाय है और हमने तुरंत उसको उस एक में इतने लोग मर गए जो इन्होंने बताए नहीं हैं, जितने 4 एक्सीडेंट में भी नहीं मरते हैं। और वहाँ घूम रहा था रेल मंत्री, कोई पहचान नहीं रहा था उसको कौन रेल मंत्री है, कोई जानता है कौन है रेल मंत्री? 8 मंत्री ऐसे हैं जो अपने दफ्तरों में नहीं जाते, PM के यहाँ से ही उनका काम चलता है। सर पुलवामा अटैक को लेकर सर आपके हमेशा बयान रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पुलवामा अटैक को इन्होंने अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया, जवानों की लाश पे इन्होंने चुनाव लड़ा और उसकी कोई जांच नहीं कराई, उसकी जांच होनी चाहिए और हम लोग ताकत में आए तो उसकी जांच कराएंगे कि वो किसकी लापरवाही से हुआ। एक सर इनका बयान आता है कि हमारी जो GDP है 5 trillion होने जा रही है पूरे विश्व में, हम 5वें नंबर पर, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की बहुत बकवास करते हैं, मैं इस बहस में नहीं पड़ता। GDP देख तो रहे, लोग गरीब हो रहे हैं, लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, भर्ती सब बंद हो गई है और किसान को दाम नहीं मिल रहा है, MSP नहीं मिल रही, GDP का क्या करेंगे हम? अग्निवीर को लेकर सर क्या कहेंगे? अग्निवीर को किसान खेती करता था या वहां से बचता था, उसका लड़का फौज में चला, वो रास्ता भी बंद कर दिया। ये किसानों की ताकत को खत्म करने का प्रयास है, ये खत्म होना चाहिए, सीधी भर्ती जैसे होती थी वो होनी चाहिए और एकदम होनी चाहिए। चलो सर थैंक यू। क्या परिणाम रहेंगे? अरे अभी से कौन बताएगा परिणाम, पांच राज्यों का बता सकता हूँ कि ये सब जगह हारेंगे। लोकसभा का बाद में पूछना सर, इन 5 राज्यों में सर आप चुनाव प्रचार पे जाएंगे? सब जगह जाऊंगा। किस तरह आप सर स्ट्रेटजी अपनाएंगे? सब जगह जाऊंगा, जो बुलाएगा उसके यहाँ जाऊंगा। थैंक यू, नमस्कार। शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतरी रोड बहरोड स्कूल है पर कुछ अलग सा, जहां पर कोडिंग क्लासेज, अत्याधुनिक शिक्षा के लिए अटल रोबोटिक लैब, मेडिकल IIT की बेहतरीन तैयारी। कोटपुतली बहरोड जिला टॉप पर रितिका यादव पुत्री वरुण यादव 98.40, 72 विद्यार्थियों में से 18 विद्यार्थी 90% प्लस, 44 विद्यार्थी 80% प्लस ने लहराया जिले में परचम। प्रधानाचार्य रमेश कुमार सुथार, चेयरमैन वरुण कुमार यादव। तक्षला ग्रुप ऑफ एजुकेशन हमजापुर बहरोड एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय, जहां शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के संस्कारों पर रखा जाता है विशेष ध्यान, बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट, जहां पर JEE, NEET, NDA, NTSE, STSE सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, एक्सेलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज, TPS पब्लिक स्कूल जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी बहरोड, प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं, अब आपके ननिहालों को मिलेगी नई दिशा तक्षला ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ। बहरोड क्षेत्र के गंडाला गांव के निवासी मेहुल कुमार पुत्र धर्मेंद्र यादव ने JEE एडवांस में 3242वीं रैंक ऑल इंडिया में हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मेहुल कुमार ने सफलता का श्रेय अपने दादाजी भगवान सिंह नंबरदार एवं माता मनीषा यादव, पिता धर्मेंद्र यादव सहित अपने शिक्षक गणों को दिया। वहीं मेहुल कुमार के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी स्थानीय लोगों ने की। ACL ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। वो
all the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. बेहतरीन परीक्षा परिणाम सेंटर टॉपर अंजलि चौहान 97.80%, जिले में लहराए परचम 63 विद्यार्थियों में से 14 विद्यार्थी 90% प्लस, 63 विद्यार्थी 80% प्लस. My school produced the highest number of toppers in the board exam. वर्तमान में मेरे अधीन एशियल स्कूल और कंगारू किड्स प्ले स्कूल है. गर्मी की तपती धूप से परेशान लोगों के लिए फुल मस्ती का ठिकाना पैराडाइज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, सेफ सिक्योर कैंपस, अपोजिट ईपीआई की गेट, भोलड़िया नीमराना, रेन डांस, स्विमिंग, स्लाइड स्विमिंग, चिल्ड्रन पार्क, फैमिली के लिए अलग से वाटर पार्क. आप भी अपने बीवी बच्चों के साथ आ जाइए मस्ती के फुल मूड में. प्रोप्राइटर लालचंद रामपुरा नाउदी वाले. आज की खास बुलेटिन में इतना ही. क्षेत्र की तमाम ताज़तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ.